हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। फाइनली इग्नू ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन इंटर्नशिप डिजर्टेशन फील्ड वर्क के पोर्टल को लाइव कर दिया, जिसमें ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट वगैरह डिजर्टेशन वगैरह फील्ड वर्क वगैरह सबमिट करवा सकते हो। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट 15 मई है, कितना एक्सटेंड होने वाले इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इग्नू की सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह ही मैंने कम्युनिटी टैब में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फेसबुक पे भी दे दी थी आपके, और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी थी, इंस्टा पे भी दे दी थी। अगर आपने वहां पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टेंट अपडेट मैं दे देता हूं वहां पे। जैसा कि आपको अभी सुबह ही पता चल गया है, 10 बजे ये पोर्टल को लाइव कर दिया गया था, मैंने उसी समय डाल भी दिया था आपके कम्युनिटी टैब में भी, आपने काफी सारे स्टूडेंट ने देख भी लिया है। 31 मई लास्ट डेट रखी गई इसमें ऑनलाइन फील्ड वर्क जनरल इंटर्नशिप वगैरह सबमिट करवाने के लिए। तो अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया है, अगर ऑफलाइन सबमिट करवा दिया तो उनके लिए नहीं कह रहा हूं, उनको दोबारा सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया इन सभी चीजों में से जो है, जो यहां पे दिया गया ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, तो आप अभी सबमिट करवा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल असाइनमेंट और सिनॉप्सिस के लिए नहीं है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होता है, तो सिनॉप्सिस जो अप्रूवल वाला पेज रहता है और उसको पूरा लगा के सबमिट करना होता है, वो आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो एक बायोडाटा पूरा बनता है उसमें, वो आपको पता ही रहेगा। और क्या क्या रहेगा फ्रंट कवर में, फ्रंट पेज में यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और ये फ्रंट पेज में आपका मेंशन रहना चाहिए, उसके बाद आपका अप्रूवल रहता है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रहता है, पीडीएफ बना के सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट और सिनॉप्सिस के लिए नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट डिजर्टेशन फील्ड वर्क जनरल इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए, जो ऑनलाइन आप सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन सबमिट करवा चुके हैं उनके लिए ये पोर्टल नहीं, दोबारा उनको सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट 31 मई रखी गई है, और इसी से रिलेट करता है आपका असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है। काफी जो है इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, सभी स्टूडेंट अभी लगातार पूछ रहे हैं डेट एक्सटेंड नहीं होगी कि नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया है डेफिनेटली एक्सटेंड होगी, और ये अब तो सियोरिटी और भी बढ़ गई है कि ये डेफिनेटली एक्सटेंड होने वाला है, कम से कम 31 मई तक 15 दिन और एक्सटेंड होगा, और श्योर 101% एक्सटेंड होने वाला है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं, लेकिन हर बार मैं हमेशा आपसे कहता हूं, थोड़ा सा समय निकालो, टाइमली आप कर दिया करो। कभी कभी क्या होता है कि अगर बंद हो गया तो आपका सेशन लॉस्ट होगा, हालांकि असाइनमेंट ही है, अगर आपका समय बचा है तो आगे नेक्स्ट आने वाले में सबमिट करवा सकते हो, बट जो है मार्क्स वगैरह लेट लगते हैं, तो ये आपको परेशानी हो सकती है। तो ठीक है, तो असाइनमेंट सबमिशन जो है की लास्ट डेट 101% एक्सटेंड होने वाली है, 31 मई तक एक्सटेंड होगी कम से कम, ठीक है। तो आप में से जो अभी कंफ्यूजन थे या फिर नहीं बना पाए हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका रहेगा, इसमें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम की रही बात, एग्जाम तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, इवेल्युएशन डिवीजन की तरफ से अभी डिसाइड नहीं किया गया है, और मैंने जैसा एक्सपेक्टेशन दिया है कि जुलाई तक हो सकता है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा जाए, और जून में जो है एग्जाम फॉर्म हो सकता है ओपन किया जाए। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूंगा। एसईडी स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन की तरफ से अभी कोई भी डिसीजन, कोई भी अथॉरिटी ने डिसीजन ही नहीं लिया है कि अभी एग्जाम कब करवाया जाएगा, ठीक है। अभी बस आपका मे बी में चल रहा है कि जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो आप इसमें अभी आप बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऑफिशियल अपडेट आने के बाद इन्फॉर्म करूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको कहीं से भी ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारे ऐसे जो है अभी आप देख रहे होंगे कब होने वाला है, कब कैसे होने वाला, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पे बने रहेंगे, तुरंत इंस्टेंट अपडेट प्रूफ के साथ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल मेक श्योर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्रेस करना, जो है ग्रे करने के लिए आप उसको ग्रे करके रखिएगा, ताकि इंस्टेंट अपडेट मिले जैसे मैं आपको डालूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।